कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक संस्कृति ये नहीं है कि हम किसी के परिवार पर कोई टीका टिप्पणी करें। तेईस जुलाई 2022 को कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसके बाद से केंद्र की राजनीति में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में घमासान देखने को मिल रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में गैर कानूनी रूप से सिली सोल्स बार को चलाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी उस बार को एक ऐसे व्यक्ति के नाम से चला रही है जिसकी मौत हुए लगभग 13 महीनों का समय बीत चुका है, तो इस बार को 2 लाइसेंस मिले थे, जबकि गोवा के कानून के हिसाब से किसी एक बार को एक ही लाइसेंस मिल सकता है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक संस्कृति ये नहीं है कि हम किसी के परिवार पर कोई टीका टिप्पणी करें, उनके कारोबार पर, उनकी निजी मसलों पर कोई बात रखें, लेकिन यह बात सिर्फ किसी के परिवार या किसी के बच्चों तक सीमित रहती तो अलग बात थी। बात एक केंद्रीय मंत्री की है, सवाल उस केंद्रीय मंत्री की राजनीतिक शैली पर भी है, उनके राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए गए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर बार है, वैसे तो क्योंकि स्मृति ईरानी जी जिस पार्टी से आती हैं उसकी राजनीतिक संस्कृति के हिसाब से तो शायद वो बार भी बड़ा संस्कारी बार होगा। वहीं इस रेस्टोरेंट कम बार को रेस्टोरेंट का लाइसेंस भी अभी तक नहीं मिल पाया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आरोप केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर लगाए गए वो काफी गंभीर हैं, जिसके पलटवार में भी स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए सभी सवालों के जवाब दिए। इस मामले को लेकर उनका कहना था कि गांधी परिवार के खिलाफ उनके मुखर रवैये के कारण ही उनकी बेटी को निशाना बनाया जा रहा है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोर्ट का रुख करने की चेतावनी भी दी है। वहीं स्मृति ईरानी की बेटी जोश ईरानी ने भी अपने खिलाफ लगाए गए तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। गौर करने वाली बात है कि स्मृति ईरानी की बेटी जोश ईरानी की उम्र महज 18 साल है और जोश ईरानी की ओर से उनके वकील कीरत नागरा ने एक बयान जारी कर अपने मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। वकील का कहना है कि स्मृति ईरानी के राजनीतिक विरोधियों ने उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक नेता की बेटी होने के कारण जोश को बदनाम करना है। मगर ये मामला सिर्फ गोवा या दिल्ली तक ही सीमित नहीं रह गया है, महाराष्ट्र की राजनीति भी इस मामले को लेकर गरमाने लगी है, क्योंकि स्मृति ईरानी के समर्थन में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी सामने आई। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा कि 18 साल के बच्चों को तो ये भी पता नहीं होता कि भारत में रेस्टोरेंट चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है और इसमें किस तरह की सजा हो सकती है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है ये तो फिलहाल अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर हमलावर है और उन्हें केंद्रीय पद से इस्तीफा देने की मांग भी की जा रही है। तो वहीं स्मृति ईरानी कानूनी लड़ाई लड़ने से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।